इस दिवाली पर विधि विधान पूर्वक किस तरह से करें माता लक्ष्मी जी की पूजा, किन किन बातों का रखें ध्यान, बताएंगे एस्ट्रोलॉजर मुकेश जैन। नमस्कार, शुभ दीपावली। दीपावली की पूजा हम सब करते हैं धन प्राप्ति, सुख समृद्धि, प्रगति के लिए। हम महालक्ष्मी माता की प्रसन्नता के लिए दीपावली पर पूजा करते हैं, लेकिन इसमें दो बातें महत्वपूर्ण होती है कि वह पूजा हम शुभ मुहूर्त में करें और विधि विधान से करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लक्ष्मी माता का जो मंडप होता है उसे हम किस प्रकार से सेट करें। इसमें मैं आपको चार्ट से समझा रहा हूँ। एक सफेद कपड़ा जिसमें नौ खाने बने हो, वो नौ ग्रह की स्थापना के रूप में हम उसे स्थापित करेंगे। ग्रहों के नाम दे रखे हैं, बुध, शुक्र, चंद्र, गुरु, सूर्य, मंगल, केतु, शनि और राहु। जो बुध भगवान का जो है वो हरी दाल से आपको बनाना है, शुक्र चावल से, चंद्रमा चावल से, गुरु चने की दाल से, सूर्य मसूर की दाल, मंगल मसूर की दाल, केतु शनि और राहु ये काले तिल या काली दाल से बना सकते हो। इसके पास में लाल कपड़ा जिसमें 16 खाने हो, सोरस मातृका के रूप में हम उनकी पूजा करेंगे। इसमें जो कलर दे रखे हैं उस कलर के रूप में आप दाल या उस कलर के चावल से आप इनकी स्थापना कर सकते हो। नवग्रह का जो पाटा है उसके ऊपर महालक्ष्मी जी की तस्वीर मूर्ति स्थापित करनी है और सोरस मातृका का जो पाटा है उसके ऊपर गणपति भगवान की तस्वीर या मूर्ति आपको स्थापित करनी है। इसके साथ ही विष्णु भगवान का कलश, मिट्टी का सुंदर सजावा कलश जिसमें आप खील, बताशे, पंचमेवा, सुपारी और एक सिक्का भर के उसको रखना है, क्योंकि बिना विष्णु भगवान के लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती है। तो विष्णु भगवान के रूप में हम ये कलश रखेंगे। एक रुद्र कलश जिसमें पानी भर के रखना है रुद्र भगवान के रूप में। एक अखंड दीपक हमको जलाना है। एक सप्त धृत मूर्ति का इस प्रकार से आपको बनानी है। माता जी के चरण नीचे आप चिपका सकते हो या बना सकते हो। श्री कुबेरियन इस प्रकार से आप स्थापना करें और पाटे के दोनों तरफ आप गन्ना लगा सकते हो। इस चार्ट की हम आपको फोटो भी डालेंगे। इस प्रकार से आप स्थापना करें।